ओके जी, हम जा रहे हैं अब घर की तरफ। रात के 3 बजे। किसका? ये रहा। कितनी खुशी हो रही है मनाहिल को, खाना नहीं खाना था और मनाहिल को आइसक्रीम। मनाहिल मैं तो चॉकलेट खा रही हूँ। okay. और आया ना आप? कराची कराची है यार, कराची में निकलो तो तफरी हो ही जाती। मैं यही सोच के निकला था कितना कुछ कर ले। अरे वाह, हम पाकिस्तान में आ गए। वो इसको पाकिस्तान नहीं लग रहा था असल में। कहाँ थे? वो कोई और कंट्री थी, लेकिन हम अब पाकिस्तान में आए हैं और पाकिस्तान में आके हम आइसक्रीम खा रहे हैं। वहाँ तो असल में आइसक्रीम भी नहीं मिलती ना मनाहिल, है ना? हाँ। वहाँ पे तो रोटी भी इतनी मोटी मिलती है। ये बात थी। मनाहिल आ गए आपकी आइसक्रीम। ओ मनाहिल की आइसक्रीम आ गई है। तो ये आइसक्रीम है मेरी फेवरेट चॉकलेट। फिज की स्मेल क्यों आ रही है? अच्छा खाना, मुझे ये तो अजीब सी लग रही है। अरे दिखाया, कैसी लग रही है आपको? ये लो। नहीं एक्सचेंज कर दो। आप मां बहनी चॉकलेट की लड़ी तो मेरे लास्ट की मछली हो गई।
चॉकलेट आइसक्रीम वाली अच्छी होती है तो मैंगो या फिर पिशावरी। पिशावरी भी अच्छी होती है लेकिन कुल्फा मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। थैंक यू। इसका ना एक काम करना, एक ट्रेलर डाल देना। क्या ट्रेलर? अभी जाके ना आइसक्रीम का नहीं नहीं छोटा सा टीजर डाल देना, ये हम पाकिस्तान में आ गए तो पहले मनाने जी बोले ना। और बाहर जो है ना वो एक वो भी है, अब सही लग रहा है गोलगप्पे वाला। हाँ मुँह कितना ऑयली हो जाता है, ऑयल फेस पे ऑयल आ जाता है। अच्छा जी मेरा ना आधा फेस नज़र आ रहा है, वाओ मेरा आधा फेस जो है वो अलग है और आधा फेस। एक बार वो आती थी ना सीरीज आती थी, कौन सी क्या नाम होता था उसका, टेलीनामा पता नहीं इस तरह करके कोई सीरीज आती थी, उस टेलीरामा वो सीरीज आती थी ना, तो उसमें आधा फेस अलग होता था आधा फेस अलग होता था। मैंने अपने फैक्ट्री खोलनी है आइसक्रीम की, पार्लर खोलना है अपने, दूध चीनी और आइसक्रीम का पाउडर। बाहर की आउटिंग कराची लेट नाइट, ये कराची है, कराची में हम लोग ये करते हैं। मनाइल की आइसक्रीम कैसी है? अच्छा ये फेंकना मत, फेंक दी। नहीं प्लीज नहीं फेंकना। मनाइल आपकी पिंक कैसी है? क्या रखना है कचरे में? इसमें आप देखो व्लॉग में खा के दिखाओ, नजर आ रही हो आप उसमें? हमारी बैटरी जा रही है एंड कर रहा है। यम अच्छी है ना चॉकलेट वाली, मेरी तो फिनिश हो गई, मुझे और खानी है। यम्मी। ये फेंका क्यों? अरे नहीं फेंका भाई। अच्छा ये देखिए मैं लेके जा रही हूँ घर पे और इससे मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने वाला है। संभल के बैठो पीछे, ठीक लगा ये लो इसमें रखना यान। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, पहले भी हम घर की तरफ जा रहे थे। अच्छा जी किसका सामान उठा के लाया हो आप? ये अपनी दूसरी बीवी। दूसरी बीवी जरूर याद रहेगी हैं? आपके सर पे वो रहा। बात सुने आपको दूसरी बीवी जरूर याद आती है। तो भी पहली हैं? वो देखो मक्खियाँ मर गई। अंदर ही चल रहा है। देखो सारी लाइट्स ऑन है, देखा आपने कौन कौन सी लाइट्स बंद की थी? एक नहीं तीन जल रही हैं। तीन किचन की नहीं है? नहीं तो लाइट चली गई थी ना। हाँ अच्छा जी अभी रात के हो रहे हैं 4:15, रात के 4:15 हो चुके हैं और आयान साहब ने तो चेंज कर लिया है और मनाहिल आप भी जाके चेंज करिए, वॉशरूम जाइए जाइए। तो अभी हम लोग आए हैं
पौने चार बज रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं। तो हम लोग अभी घर पे आ चुके हैं। मैंने अपने हेयर्स को खोला है क्योंकि मैं जब गई थी तो मैंने उसी वक्त अभी बाथ लिया था और फिर हम लोग निकल गए थे। मैंने पोनी टेल बना ली थी क्योंकि मेरे बाल जो बहुत गीले हुए थे, तो अभी मैंने बालों को थोड़ी सी हवा लगानी ताकि ड्राई हो जाएँ शैम्पू करने के बाद। आपको पता है बाल जो है वो चिपचिपाहट वाले हो जाते हैं अगर बंधे बंधे रहें। एनीवेज और ख़ारिश अलग शुरू हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख़ारिश नहीं हो रही है। तो आज का मेरा दिन मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत हमने इन्जॉय किया, बहुत लेट भी हो गया है, थक भी बहुत गए। और हम लोग जिस रेस्टोरेंट को ढूंढ रहे थे वो हमें नहीं मिला। आई थिंक वो लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइसिस हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिनके बिज़नेस थे वो सब बंद हो चुके हैं, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से। तो वो वाला जो रेस्टोरेंट था वो भी जो है बंद हो चुके, हमें नहीं मिला। हम पूरा वहाँ तक टोल गेट तक हमने उस रेस्टोरेंट को देखा, तो वहाँ तक हमें नहीं मिला। फिर वहाँ पे कट आया था, फिर वहाँ से कट से फिर हम ब्रिज से वापस रिटर्न करके हम लोग कहाँ आए, जियो शनवारी पे। लेकिन जियो शनवारी के पास जब पहुँचे हम लोग तो वहाँ पे उनका किचन क्लोज़ हो चुका था, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बराबर में एक खान शनवारी करके था, वो भी क्लोज था, उसका भी बंद हो चुका था सब कुछ। और फिर उसके बाद थोड़ा और आगे गए, फिर एक और खुला हुआ था रेस्टोरेंट जिसका नाम था खैबर शनवारी, वहाँ सारे शनवारी शनवारी करके थे। तो वो वाला रेस्टोरेंट जो वो खुला हुआ था वो भी एंड हो रहा था, हमने वहाँ पे भी अपना डिनर किया और बस उनकी लाइट्स वगैरह ऑफ ही हो रही थी, तो हमें बहुत सब भूख लग रही थी इसलिए हमने वहीं खाना खाना था, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ लग नहीं रहा था। फूड पांडा से खाने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे ब्लॉग को भी शूट करना था। तो आप लोग बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा, और आप लोग ये भी बताइएगा कि मेरा ये जो ड्रेस मैंने वेयर किया है आप लोगों को कैसा लगा, कैसा स्टिच हुआ है, क्योंकि ये मैंने अपने हाथ से स्टिच किया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी, व्लॉग बनाती रहूँगी, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।